काम आसान हो गया। बोल रहे थे पतला लीजिए, बहुत मोटा सर। तो पनीर जम जाएगा। जामुन नहीं है, लीची है वाला। नहीं गछवा दीजिए, एक साइड उसको एक बार तू ठीक ठीक एक सेकंड छुपा। एक के सेकंड का वीडियो बनाएंगे आप यहाँ पर। ये जैसे उपचो 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 देखिए हमारे बीएड प्रशिक्षु आए हुए हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान। एक फलदार वृक्ष लीची का पौधा, देखिए शाही लीची है जो कि मुजफ्फरपुर का लीची है। ये गौतम जी हैं, दौलत महतो मेमोरियल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के बीएड प्रशिक्षु हैं। इनके साथ आप देख रहे हैं मनोहर कुमार महतो जी हैं, और इन दोनों के सहयोग से लीची का पौधा लगाया जा रहा है। आज हम लोग का अंतिम प्रशिक्षण का दिन था। ये जो आप पौधा देख रहे हैं लीची का, इस पौधे का इंतजाम किया गया है, हजारीबाग से लाया गया है। और ये जो जाली है ये विष्णुगढ़ से लाया गया है, और इसको बाहरी जो तत्व हैं उन तत्वों से बचाने के लिए इसको सुरक्षा दिया जा रहा है। और यहाँ बच्चे भी उपस्थित हैं, सारे बच्चों से ये आग्रह भी किया जा रहा है कि इस पौधे की देखरेख करने की जिम्मेवारी अब आप लोगों की है। और काफ़ी मशक्क़त के बाद इस जाली को बांध दिया गया है ताकि जब भी आंधी हो, तूफान हो, आंधी तूफान से बचे, प्रोटेक्शन मिले। धूप भी काफ़ी है, विशेषता है कि इसका तीन चार बना सकते हैं। माथे से गंगा बह रही है, शिव जी बन गए हम लोग, लेकिन बावजूद इसके मेहनत जारी, मेहनत में कोई कमी नहीं है। ये देखिए जुगाड़ सिस्टम चल रहा है। गौतम जी कुछ हाँ, कहना चाहते हैं? हम लोग बीएड प्रशिक्षु सेमेस्टर 4 के हैं। 3 का हम लोग का पीओटी कार्यक्रम था, आज अंतिम दिन था। तो अंतिम दिन में हम लोग पर्यावरण की बैठ गया। अच्छा अच्छा ये आपकी कृपा है। काम आसान हो गया। बोल रहे थे पतला लीजिए, बहुत मोटा सर। नहीं गछवा दीजिए, एक साइड उसको एक बार तू ठीक ठीक एक सेकंड छुपा। एक के सेकंड का वीडियो बनाएंगे आप यहाँ पर। अच्छा अच्छा ये आपकी कृपा है। मड़मों से आ गया शाहरुख उधर से, अब देखो ये पानी। ये हमारे
बीएड प्रशिक्षु के सीनियर अभ्यर्थी हैं प्रशिक्षु आदरणीय उपेंद्र कुमार जी, और ये आए हुए हैं प्रशिक्षण के तनाव के बाद शाम की बेलम नदी के किनारे थोड़ा प्रकृति का आनंद और ये मनोरम दृश्यों का आनंद लेते हुए। हमारे मनोहर कुमार महतो जी हैं जो अभी डीएवी पब्लिक स्कूल में शिक्षक का भी कार्य कर रहे हैं और बीएड के प्रशिक्षु अभ्यर्थी भी हैं, और ये भी प्रकृति का मनोरम दृश्य का आनंद ले रहे हैं। आइए अब परिचय करवाते हैं गंभीर आदमी से। आप कहते हैं इनको गंभीर, देखिए इनकी गंभीरता को देखिए। अभी अभी इनका बीएड प्रशिक्षण जो सो कंप्लीट हुआ है और महाशय देखिए मनोरम दृश्य का आनंद लेने के लिए पहुंच गए हैं। ये इलाका जो सो भले अपरिचित है लेकिन जैसा इनका अभी व्यवहार है ऐसा लग रहा है कि इनका घर गृहस्थी इन्हें है, बगले में है। बताइए सर, इस नदी का क्या नाम है? खोंगिया नदी डुमरी प्रखंड। डुमरी नहीं, गिरिडीह जिला है। गिरिडीह जिला है ना, बॉर्डर है गिरिडीह जिला ही डुमरी, मतलब बोकारो। ये हजारीबाग जिला और गिरिडीह जिला दोनों में बहती है, तीनों जिलों में बहती है। बोकारो में भी, बोकारो गिरिडीह और हजारीबाग। खोंगिया नदी ना, खोंगिया। अच्छा, किसकी सहायक नदी है ये? आपके सहायक है जमुनिया की, जमुनिया नदी की सहायक नदी है ना। चलिए ठीक है। इसकी आप देखिए सर, ये जो आप नदी देखिए इसका जो डायरेक्शन है वो चारों तरफ डायरेक्शन, आप देखिए इसका जो फ्लो है ना, चारों तरफ डायरेक्शन है। देखिए यानी कि जो गांव का चारों ओर तरफ से, चारों ओर तरफ से आप देख सकिए। देखिए इसका डायरेक्शन, देखिए मूवमेंट, देखिए सिर्फ पानी का, इधर इधर से भी आ रहा है। देखिए मौसम भी बड़ा अनुकूल है। ये आपका हो गया, छाता है